नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी में लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने घंटाघर पर प्रदर्शन के दौरान ध्वजारोहण किया, जहां शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि ये महिलाएं पिछले 10 दिनों से घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही हैं। रामपुर के शिक्षा विभाग में 71वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बड़ी चूक देखने को मिली। रामपुर के तहसील टांडा के गांव चंदुपुरी में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों ने 10 बजे तक भी झंडा नहीं फहराया। ध्वजारोहण के इंतजार में बैठे मासूम बच्चे शिक्षा मित्रों और स्कूल के स्टाफ का इंतजार ही करते रहे। आपको बता दें कि ये शिक्षक मुरादाबाद में रहते हैं, जिनको गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की याद ही नहीं। आराम से सो रहे शिक्षकों के घर हमारी टीम ने जब उनको जगाया, तब जाकर स्कूल में ध्वजारोहण हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा पहुंची, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने झंडारोहण किया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा पर एक परेड का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना की शान T-90 टैंक भीष्मा ने राज्यपाल को सलामी दी। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा होने के कारण एक के बाद एक 25 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसके बाद लगभग 28 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद वाहनों में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर वहां पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा। वहीं मामूली रूप से चोटिल लोग अपने वाहनों को लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में कराया, जिसके बाद यातायात का संचालन सुचारू रूप से हो गया। वहीं SI ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब तेज गति से चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद उसके पीछे चल रहे ट्रक और कारें भिड़ती ही चली गई। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे हम जैसे भी जा रहे थे, सुबह करीब 9 बजे का बात है, तो यहाँ पे करीब एक ट्रक और एक गाड़ी पहले टकराए थे, उसके बाद में कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो पीछे से करीब 3 दर्जन वाहन, करीब 35 से 40 गाड़ियाँ होगी, वो आपस में पीछे से मतलब आगे एक से एक मतलब गाड़ियाँ टकराई। तो ज़्यादा वैसे चोट तो नहीं आई किसी को, चोट कोई एक आध को आई, उसको ले गए थे। घना कोहरा था तो उसकी वजह से करीब करीब 20 वाहन आपस में टकराए हैं। सबसे आगे एक ट्रक था HR नंबर का, वहाँ कार PB नंबर का, उसकी वजह से ये सब घटना हुई है। और जो घायल थे उसमें, उन सबको भेज दिया गया अस्पताल इलाज के लिए, और बाकी जो वाहन है उन्हें भेज दिया गया है। संभल में कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र की पुलिस चौकी बबराला के गांव फरीदपुर के जंगल से एक अज्ञात 18 वर्षीय युवती का शव मिला। सूचना के 4 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बबराला पुलिस चौकी के गांव फरीदपुर निवासी रूप किशोर पुत्र सुखलाल के खेत में युवती की लाश किसानों को पड़ी हुई दिखाई दी। सुबह खेतों पर काम करने जा रहे किसानों ने सरसों के खेत में पड़ी लाश देखकर गांव में सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बबराला पुलिस चौकी को दी, जिसके 4 घंटे बाद बबराला पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर पुलिस लाइन में 71वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनिल शर्मा रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री अनिल शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा यहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, SSP संतोष कुमार सिंह, SP सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव, SP क्राइम शिवराम यादव, SP देहात हरेंद्र सिंह और ASP गोपाल चौधरी और सभी क्षेत्र के क्षेत्र अधिकारी और अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रवंदना चौक पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण करने के पश्चात शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 303 है, बहुत पुरानी हमारी राइफल थी। जैसा कि हमने बताया कि 1945 में ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा स्वीकार की गई थी, इसको अंगीकार किया गया था, और उस तब से लेकर के लगातार ये हमलों के साथ थी।
करीब 75 वर्ष तक इसने हमारी सेवा की है। इसकी मैकेनिज्म चूँकि बहुत ही सिंपल थी तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट सर्विस थी इसकी, और लगातार हम लोग इसका प्रयोग करते रहे। खास करके जो हमारी कांस्टेबुलरी है, जो सिपाही हैं, उनका ये जातीय वेपन था, उनका एक पर्सनल वेपन था, और बहुत लंबे अरसे तक रहने के नाते निश्चित तौर से हमारा एक पर्सनल लगाव, एक जो इमोशनल लगाव है, वो इस बंदूक के साथ था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।